हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है और किसी गोलीय चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके हम ये चीज निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग वही चीज निकालेंगे, गॉस के थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे, गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मतलब हम लोग जो देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो जहां एप्लीकेशन आ गया गॉस थ्योरम का, इसका मतलब गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे। और गॉस थ्योरम का उपयोग करके आपको बताना है किसी लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आपको निकालना है। अभी आपके पास क्या है, बेलनाकार चालक है, किसके कारण निकालना है, बेलनाकार चालक के कारण निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। तो आपके पास ये हो गया बेलन, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया। अब क्या आवेशित बेलनाकार चालक बोला था, इस पर क्या करते हैं हम लोग आवेश दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास इस पर आवेश दिए हम Q, तो ये आवेश क्या होगा, पूरे चालक पर एक समान रूप से फैल जाएगा। एक टर्म और आपको हम बताए थे, यदि किसी चालक पर आवेश समरूप से समान रूप से फैल जाता है तो उस प्रकार के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया क्या, हर जगह जिसका पोटेंशियल क्या हो एक समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता है चार्ज देने के बाद बेलनाकार सरफेस पर, क्लियर। अब मान लेते हैं पहले से जो बेलन है उसका कुछ न कुछ त्रिज्या होगा, तो मान लीजिए इसका त्रिज्या है स्मॉल ए, त्रिज्या क्या है स्मॉल ए। और जो आपके पास बेलन लिया गया है वो उसका नाम मान लीजिए आप एम एन, आपका क्या है बेलन, ठीक है। अब इसके कारण आपको किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। हम क्या करेंगे, इसका अक्ष से ये आपका अक्ष का मध्य बिंदु हो गया, यहां से क्या करें कुछ दूरी पर, सपोज मान लीजिए स्मॉल आर, छोटी आर, छोटी आर दूरी पर क्या करते हैं एक पॉइंट पी ले लेते हैं और क्या बोलते हैं कि इसी जगह आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो कहां निकालना है, पी बिंदु पर निकालना है। तो जब गॉस के थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, सिमेट्रिक एलिमेंट, मतलब अगर बेलन है तो बेलनाकार एलिमेंट का कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग गोलाकार निकाल रहे हैं तो एक गोलाकार एरिया का कंसीडर करेंगे। और ये जो एरिया हम लोग लेंगे, ये जो सरफेस हम लोग लेंगे, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस हम लोग कहेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां से आर दूरी पर जो बिंदु पी है वहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा यानी स्मॉल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब गॉसीय सतह, कैसा बोलते बेलनाकार गॉसीय सतह का कल्पना करते हैं, कहां पर पी बिंदु पर। तो बेलनाकार गॉसीय सतह का कल्पना करेंगे हम लोग, इसका मतलब बेलन मतलब क्या, उसमें लंबाई होगा, उसका त्रिज्या होगा, तो इसका जो त्रिज्या होगा यही आर इसका त्रिज्या का काम करेगा। और इसका लंबाई मान लीजिए कि ये आर लंबाई हम लोग ले रहे थे, ये पी आपका यहाँ पर दिया गया, पी को हम लोग लेते, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कितना त्रिज्या का, तो आर ये आपका हो गया आर त्रिज्या का, और लंबाई मान लीजिए कितना एल लंबाई का, क्या करते है एक बेलन कंसिडर करते है यहाँ से हम लोग, ये हम लोग आगे बढ़ा दिए, जितना लंबाई यहाँ है वही लंबाई इधर लेना है आपको, यहाँ आप ले लिए। अब क्या कीजिए, ये बेलन हम लोग बना रहे हैं, दूसरा बेलन इसका लंबाई कितना होगा, तो मान लेते हैं एल, तो ये बना दिए हम क्या, तो ये एक बेलन कंसीडर कर लिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, बेलन के कारण निकालना है। तो ये जो सरफेस आपका बना, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलेंगे इस बेलनाकार सतह, क्लियर। अब क्या करते हैं, पी बिंदु पर अगर मान लीजिए बेलनाकार सतह हम लोग ले जाते, इसके कारण हर चीज सोचेंगे, जो सोचना है
बाद में क्या करेंगे, पहले इस गॉसियन सतह के कारण हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और बाद में क्या करेंगे हम कंप्लीट बेलन के कारण निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस बेलन के लिए P बिंदु पर इंटेंसिटी क्या है, E है। क्या है इंटेंसिटी? E में क्या, तो कैपिटल E है। ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज यही आपका बेलन है, ठीक है, इसके चारों, जब इस पर हम लोग चार्ज दिए तो चार्ज तो चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है। अब किसी भी बिंदु पर निकाला, अगर यहां निकालेंगे तो जो इंटेंसिटी होगा इस त्रिज्या में, वही इस त्रिज्या में चारों तरफ सेम इंटेंसिटी आपका काम करेगा, हर जगह आपका इंटेंसिटी क्या होगा सेम काम करेगा। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी लीजिए, यहाँ लीजिए, इसका गोलाई में जहां भी निकालेंगे हर जगह इंटेंसिटी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो याद कीजिए हम क्या बोले आपको, जहां भी इंटेंसिटी निकालना होता है वहां क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस और यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण ये कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, जिधर चार्ज भागेगा यानी फोर्स लगेगा उधर ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, इधर हो गया आपका इंटेंसिटी का डायरेक्शन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर इंटेंसिटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं प्रीवियस दो तीन लेक्चर पहले मैंने आपको इंटेंसिटी को कम्प्लीट डिफाइन किया और उसको समझा भी दिया है, पिछले वीडियो में जाकर के देख ली। या यदि कोई स्टूडेंट अभी से हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो को देख ले ताकि आपको देखने में आसान हो और वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया। अब क्या होता है आपको, क्योंकि जब हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, और गॉस थ्योरम जैसे ही लगाएंगे तो वहां पर फ्लक्स का चर्चा होगा। ठीक है, और फ्लक्स का चर्चा होगा तो एरिया वेक्टर आएगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर आएगा तो एरिया वेक्टर के बारे में देखेंगे, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो पी बिंदु पर अगर एरिया वेक्टर का बात करते हैं तो जिस भी बिंदु पर एरिया वेक्टर निकालना होता है वहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ से जब परपेंडिकुलर आप डालिएगा यही हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो देखिए यहाँ एरिया वेक्टर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका इंटेंसिटी हो गया, दोनों का दोनों क्या हो गया बाहर की तरफ हो गया। क्लियर, चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं हम मान लेते हैं, क्या मानिएगा, क्या लिखा हुआ है, माना कि एम एन एक आवेशित बेलनाकार चालक है, तो ये आपका बेलनाकार चालक हो गया। ठीक है, जिस पर दिया गया आवेश का मान क्या है, क्यू आवेश इस पर दिए गए हैं, तथा बेलन का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका है वो क्या है, लैम्डा दिया गया है। ठीक है, बेलन के अक्ष से आर दूरी पर, ये इसका अक्ष है, यहाँ से आर दूरी पर क्या किया, एक बिंदु पी लिए है, पी लेते हैं जहां हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना। अतः अब P बिंदु से होकर के, कहां से, P बिंदु से होकर के एक स्मॉल यानी कि सूक्ष्म गॉसियन सरफेस dA की कल्पना करते हैं। ये एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की है, जो क्या है, एरिया इसका क्या है dA। ठीक है, ये एरिया की कल्पना की है। ठीक है, जिसकी दिशा कहाँ है, तो बाहर की ओर है। इस एरिया का जो दिशा है वो कहाँ है, बाहर की ओर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः P बिंदु पर स्मॉल एरिया dA के संबद्ध फ्लक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्मॉल एरिया dA है इसके संबद्ध फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स की बात करते, चूंकि एरिया आपका छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होता है, क्या हो जाएगा डी फाइव, तो डी फाइव इक्वल टू क्या होता है आपका ई डॉट डी ए, ये होता है आपका, हम लोग जानते थे फाइव इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है। यहाँ ई और ए के जगह क्या एरिया वेक्टर डी ए है, इसलिए यहाँ फाइव के जगह क्या हो जाएगा डी फाइव हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिये क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब टूटता है तो क्या बनता है थीटा बनता है आपका। अब क्या है कि थीटा कितना होगा, तो थीटा जो होता है यहाँ पर जो थीटा क्या है आपके पास, थीटा जो है एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी के बीच का कोण। ठीक है, अतः थीटा जो है, थीटा क्या है डीए और एरिया वेक्टर इंटेंसिटी के बीच का कोण है, अतः थीटा का वैल्यू कितना होगा,
देखिए जीरो डिग्री, क्यों जीरो डिग्री होगा, दोनों का दोनों इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और हम बताए हुए थे अगर एरिया वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का ये आपका तीर है, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री होगा। अगर दोनों एक ही दिशा में एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। अब देखिए एंगल बढ़ रहा है, 30, 45, 50, 60, 90, ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए 120, 130, 150, ये कितना आ गया 180 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, और अलग अलग दिशा में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जीरो डिग्री 180 डिग्री। क्लियर, ये चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए एंगल हो गया जीरो डिग्री, सो डी फाई का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, ई डी ए कॉस जीरो। अब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, ये क्या हो जाएगा ई डी ए इंटू 1, सो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया ई इंटू डी ए, ये क्या निकल गया स्मॉल एरिया डी ए के संबंध फ्लक्स निकल गया। तो अब देखते हैं हम लोग संपूर्ण एरिया के कारण कुल फ्लक्स, तो ये आपके पास क्या निकल चुका है फाई इक्वल टू ई और ए निकल चुका है। ए क्या होगा यहाँ पर, ए हो जाएगा जो हम लोग बेलन माने हुए हैं उस बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH होता है, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग बेलन जो माने हुए कितना त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का, ये हो जाएगा स्मॉल आर, और एच का मतलब ऊंचाई, इसका लंबाई कितना माने हम लोग एल माने, ये क्या हो जाएगा 2πRL। तो हम लोग कह सकते हैं फाइव इक्वल टू हो गया ई 2πRL, ये हो गया आपका समीकरण ए। अब कहां जाएंगे, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम से हम लोग जाएंगे। अगर गॉस थ्योरम का हम लोग बात करें तो गॉस थ्योरम से फाइव इक्वल टू क्या था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था आपके पास फाइव इक्वल टू क्या था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चूंकि यहां जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे सिंस लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा को क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, याद रखिएगा लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये क्या होता है चार्ज यानी कि चार्ज, और नीचे में लिखेंगे लेंथ चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, लेंथ को एल से दिखाते हैं। तो इसीलिए अगर क्यू की बात करें तो क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए क्या हो जाएगा फाई का अगर हम लोग बात करें तो क्यू के जगह क्या हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा, और नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू के जगह क्या लिखे लैम्डा इंटू एल लिख दिए, और नीचे था एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिए, इसको ले लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहां भी फाई है और यहां भी फाई है, समीकरण 1 और 2 दोनों में फाई है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर 1 और 2 का बात करें तो LHS दोनों का बराबर है, और जब दो समीकरण में LHS बराबर रहता है तो RHS क्या होता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो RHS में यहाँ क्या है E 2πRL, और इसका RHS में क्या है लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए L L आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या E इक्वल टू जो भी बचा 2πR को नीचे लेके आ जाइए, तो लैम्डा बाय 2πR, और इधर क्या था एप्सिलॉन नॉट था बचा हुआ पहले से आपके पास, तो E का वैल्यू हो गया 1 बाय 2π। देखिए एप्सिलॉन नॉट को पहले कर दिया हम लोग, ऊपर में लैम्डा है नीचे में R है, तो E का वैल्यू क्या हो गया 1 बाय 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R हो गया आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेलनाकार चालक के कारण, ठीक है। अब अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म देखना चाहेंगे, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ क्या करेंगे इंटेंसिटी में वेक्टर लगा देंगे, इधर हो जाएगा 1 बाय 2π ε0 लैम्डा बाय आर, और यहाँ क्या करेंगे एक यूनिट वेक्टर के साथ में क्या करेंगे आर यूनिट वेक्टर है मल्टीप्लाई कर दिए, जहां आर क्या है तो आर क्या है एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ये निकल गया आपका। अब कुछ केस आता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए चाहिए आपको 1 बाय 4 पाए एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन यहाँ है क्या 2πε0, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाय आर, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू दो से इसको मल्टीप्लाई, टू टू जब फोर, तो 1/4πε0 बच गया और ऊपर में 2 बच गया, तो 2 लैम्डा बटे आर, तो e का वैल्यू हो गया 1/4πε0 2 लैम्डा बाय आर। ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस में ये चीज आपको क्या होगा, काम आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तो हम लोग कहां निकाले, P बिंदु पर ना, और P बिंदु कहां है, बेलन के बाहर है। अब P बिंदु को उठा करके हम लोग अगर बेलन के सतह पर कर दे, जो पहले से सतह था, तब क्या होगा, तो लिखेंगे यदि P बिंदु बेलन के सतह पर हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा तो रहेगा ही, R के जगह जो कैपिटल R था क्या हो जाएगा, पहले से हम स्मॉल a माने हुए थे, ये हो जाएगा स्मॉल a, ये हो गया E। क्लियर। ये कब हो गया, जब ये सतह पर आ गया तब। एक चीज और आपको याद रखना है, यदि P बिंदु बेलन के अंदर, अगर P बिंदु बेलन के अंदर हो जाएगा तो चार्ज कुछ नहीं होगा, तो Q का वैल्यू यहाँ क्या है, क्योंकि चार्ज जो है इसका सरफेस पर ही फैला हुआ है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर Q का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हम पहले से देख चुके हैं, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल, तो लैम्डा की जगह क्यू है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में E का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अगर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना है या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हमारे पीछे दिया गया वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा, आगे का चीज आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है। धन्यवाद।